में हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परीक्षा संबंधी निर्देशों के खिलाफ शिमला में प्रदेश शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए यूजीसी, प्रदेश सरकार व शिक्षा निदेशक का पुतला दहन किया। एसएफआई राज्य कमेटी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने देश भर के लिए अनलॉक 3 के निर्देशानुसार किसी भी तरह की शैक्षणिक गतिविधि को प्रतिबंधित किया है और कहा है कि सभी शिक्षण संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे और किसी भी तरह के जनसमूह के एकत्रित होने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी, तो ऐसे में केंद्र सरकार के कोविड-19 को लेकर जारी निर्देशों का प्रदेश सरकार कैसे उल्लंघन कर सकती है। एसएफआई राज्य सचिव अमित ठाकुर ने कहा कि पिछले एक महीने में हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेज रफ्तार के साथ बढ़ी है। इस महामारी के कारण छात्र जहां आज मानसिक रूप से पीड़ित है, वहीं परीक्षाओं को लेकर चल रही असमंजस ने और अधिक चिंता बढ़ा दी है। यहां तक कि जब राजकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ ने भी इन परीक्षाओं का बहिष्कार करते हुए स्थगित करने की मांग की है। एसएफआई का आरोप है कि प्रदेश सरकार व विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा संबंधी मसले पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए परीक्षाओं को महज औपचारिकता पूरी करने के लिए करवा रहा है। इन परिस्थितियों में प्रदेश की हालत को नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर इस परिस्थिति में परीक्षाएं होती है तो लाखों छात्र प्रदेश भर में इन परीक्षाओं का हिस्सा बनेंगे, जिससे वायरस के फैलने की संभावना और अधिक बढ़ेगी। एसएफआई ने मांग की है कि सरकार एमएचआरडी और यूजीसी की परीक्षाओं संबंधी अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें और सभी छात्रों को प्रमोट किया जाए। शिक्षा में 18% जीएसटी के फैसले को प्रदेश सरकार शीघ्र वापस ले। सभी छात्रों की छात्रवृत्ति शीघ्र बहाल की जाए। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को शीघ्र स्थगित किया जाए और कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक संकट से जूझ रहे छात्रों को विशेष भत्ता दिया जाए। एसएफआई ने चेताया है कि अगर सरकार छात्रों की इन जायज मांगों को शीघ्र हल नहीं करती है, सवाल थे जो आज हमने शिक्षा निदेशक महोदय के सामने रखे कि जब हमारे देश के अंदर जो एमएचए है, हमारा गृह मंत्रालय है, उसकी तरफ से अनलॉक 3 को लेकर जो गाइडलाइन जारी है कि 31 अगस्त तक किसी भी तरीके की शैक्षणिक गतिविधि नहीं होगी, सभी परीक्षाओं को और सभी जो है प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित किया जाएगा और 31 अगस्त तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, किसी भी तरीके की पब्लिक गैदरिंग नहीं हो सकती, ये हमारे अनलॉक 3 को लेकर जो है एमएचए की गाइडलाइंस है। लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की सरकार, यहाँ का विश्वविद्यालय प्रशासन और शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के अंदर जो परीक्षाएं आयोजित करा रहा है वो एमएचए के उस ऑर्डर की वायलेशन है। और इसके साथ साथ जो पब्लिक गैदरिंग वहां पर, क्योंकि हम जानते हैं एग्जामिनेशन अगर होगी तो उसमें जो है सैकड़ों स्टूडेंट उन एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर होंगे, तो कहीं ना कहीं जो कोरोना संक्रमण का खतरा है वो और ज्यादा बढ़ने की जो है संभावना है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस समय के अंदर ये परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। दूसरा सवाल हमारा है, जब ये परीक्षाओं को लेकर डेट शीट हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के द्वारा जारी की गई है, बहुत सारे छात्र अपने घरों के अंदर हैं और ऐसे समय के अंदर जब वो परीक्षा देने अपने परीक्षा केंद्र की तरफ आएंगे तो वहां पर जो है जो उनके परीक्षा केंद्र है उन कॉलेजों ने साफ तौर पर मना कर दिया कि बाहर से किसी भी दूसरे राज्य से या जिले से स्टूडेंट जो है वापिस एग्जाम देने के लिए अगर किसी जिले के अंदर आता है तो उसको अपना जो है कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा, उसकी नेगेटिव रिपोर्ट उसको पहले लानी पड़ेगी, तभी उसको हॉस्टल के अंदर स्टे करने दिया जाएगा और उसके बाद ही वो एग्जाम दे सकता है। तो ये साफ तौर पर हम हिमाचल प्रदेश के अंदर जानते हैं अभी तक किसी भी तरीके का जो है टेस्टिंग प्रक्रिया प्राइवेट लैब के द्वारा शुरू नहीं की गई है, सरकारी लैब के अंदर टेस्ट हो रहा है और वहां पर उन्हीं का टेस्ट किया जा रहा है जो है पहले से जिसके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं, जिसके अंदर लक्षण है। ऐसे में अगर हजारों स्टूडेंट जो इस परीक्षा का हिस्सा बनेगा, 45,000 के करीब स्टूडेंट है, अगर उनको पहले अपने जो है कोरोना टेस्ट कराने पड़ेंगे तो ये हजारों रुपए जो स्टूडेंट को उसके ऊपर खर्च करना पड़ेगा, ये सरासर जो छात्रों के साथ खिलवाड़ है, उनके ऊपर जो अतिरिक्त बोझ डालने का प्रयास ये सरकार कर रही है। इसको जो है
अभी छात्रों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, इसको चिंता नहीं है कि किस तरीके से जो है आज छात्र किस परेशानी के अंदर अपने घरों के अंदर रह रहा है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसके घर के अंदर आर्थिक स्थिति क्या है। ये उसकी स्कॉलरशिप देना नहीं चाहते हैं, ये उसको आर्थिक रूप से सशक्त नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे समय के अंदर इस तरीके के आदेश जारी कर रहे हैं जिससे जो है कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर तमाम छात्र समुदाय आज जो इस परीक्षा के अंदर नहीं शामिल होना चाहता है क्योंकि उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई है, उसकी क्लासेज नहीं हो पाई है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं, हमने शिक्षा निदेशक महोदय से भी यही बात की है कि इस परीक्षा को जो है स्थगित किया जाना चाहिए और सभी छात्रों को दूसरे मूल्यांकन के तरीकों के आधार पर, जैसे बहुत सारे राज्यों ने पहले किया था, उसके आधार पर जो है उनको प्रमोट किया जाना चाहिए। कैबिनेट का जो अभी यूजीसी का जो फैसला है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला जो है लंबित पड़ा है और आने वाले कल 14 तारीख को उसके अंदर सुनवाई होनी है और जिसके अंदर हमारे बहुत सारे छात्रों ने जो उसके अंदर पिटीशन दायर की है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, जेएनयू के या इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, जहां पर कोरोना के लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, वहां से बहुत सारे छात्र जो उन्होंने जनहित याचिका के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो मुकदमा किया है और वो अभी जो है आने वाले कल उसके ऊपर फैसला आएगा। हम उम्मीद करेंगे कि छात्रों के फेवर में आएगा और अगर नहीं आता है तो हम यही बार बार सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि अगर इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, परीक्षाओं के दौरान अगर कोई भी छात्र संक्रमित होता है तो सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को उसके स्वास्थ्य की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। किसी भी तरीके का नुकसान उसके परिवार को या किसी भी टीचर को या किसी उस परीक्षा जो केंद्र के अंदर टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ होगा, स्टूडेंट होगा, उनको अगर किसी भी तरीके का स्वास्थ्य को लेकर जो नुकसान होता है उसकी जिम्मेवारी जो है सरकार को लेनी पड़ेगी। मैं अमित ठाकुर, SFI हिमाचल प्रदेश राज्य सचिव।